वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, समझते हैं। जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा भी आया है, कुछ लोगों की रैंक खराब भी है, वो भी इस चीज़ों को समझे, आपको आगे काम आएगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल गई है ना, समझते हैं चीज़ों को क्या है क्या नहीं। पिछली बार का टॉपर जो थी, पिछली बार भी सॉरी गर्ल्स थी, इस बार का नाम तो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे ने भेजा मुझे कि और वहीं रैंक रही होगी, इसमें कोई सच्चाई कोई वो नहीं है। तो पिछली बार की जो टॉपर थी वो थी अनुपम राजपूत, जो कि हमारे ही कॉलेज में पढ़ती हैं, कानपुर में ही, और उनके एक बहुत अच्छे नंबर थे। और मुझे उम्मीद थी कि इस बार उस नंबर को छुपाना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, या तो उसी के आसपास होगा बंदा, तो वही हुआ। से आप अगर पिछली बार का रिजल्ट और इस बार का देखें, कंपटीशन करेंगे, तो वही टक्कर हुई। 140 के आसपास वालों का ही केवल सिलेक्शन होगा, बाद बाकी का मुश्किल पड़ जाएगा। इस बात को भी आप लोग समझ लें, है ना, और समझते हैं इस चीज को कितने क्या। इस बार का जो रिजल्ट आया है दोस्तों, ये देखिएगा आपके सामने है, रजिस्ट्रेशन नंबर नेम दर्द, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के सीधे मार्क्स दिए हैं, सीडीपी के मार्क्स उन्होंने नहीं दिए, मतलब हटा दिए हैं इस बार, ठीक है। पहले क्या करते थे, देते थे, अब यहाँ पर देखिएगा पार्ट वन के दिए हैं। अगर इन दोनों के नंबर देखेंगे तो पार्ट वन में 84 ही हैं, समझ रहे हो, अर्थात पार्ट वन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हमेशा रहा, तो इस बार भी रहा। इस बात को आप लाइव देख सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। सेकेंड पेपर में इनके 86 आए हैं, तो इनके जो है 89 रहे होंगे, है ना, 8 1 9 5 3 8 89 नंबर। इनका टोटल था 173, इन भाई साहब का टोटल है, भाई साहब या बहन जी जो भी हो, 170 रहा, 3 अंक पीछे हैं ये, फिर भी जो है ये चीज़ें रही, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप लोग समझ गए, कितनी रैंक लानी चाहिए, क्या चीज़ें रहती हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे नंबर 139 हैं, बगल वाले के भी 139 थे, है ना, लेकिन हमारा जो है, मतलब बगल वाले के नहीं सॉरी, मतलब किसी और के भी 139 थे, तो उनका क्या है कि मतलब मेरी रैंक की इतनी कम कैसे, उनकी ज़्यादा कैसे। तो उस चीज़ को मैं समझा देता हूँ आप लोगों की, मैं आपको अपने रिजल्ट समझाता हूँ। मेरा एक वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। मेरी रैंक, मेरे मार्क्स थे, जो पिछली बार की बात कर रहा हूँ, इस बार की नहीं, 159 मार्क थे, और मेरी रैंक थी दोस्त 21, ठीक। और एक बंदा था 159 मार्क उसके भी थे, उसकी रैंक थी 14, ठीक है। तो आप ये समझिए कि 14 15 16 17 18 19 20 21, अर्थात यहाँ पर लगभग 8 लोग थे जो उसी पर लाई कर रहे थे, 8 लोग जिनके मार्क्स 159 थे, ठीक भाई साहब, समझे बात को। लेकिन मेरी जो रैंक थी वो 21 थी, उसकी 14 की थी। उस चीज़ों को समझते क्या होता है, इसका मानक क्या होता है, मुझे एग्जैक्ट जानकारी थी, तो मुझे डाउट एक भी परसेंट नहीं हुआ। समझते हैं क्या हुआ, होता क्या है, पहला खेल होता है भाई साहब DOB का, डेट ऑफ बर्थ, इससे मैच किया जाता है। कभी भी कोई भी, जैसे सिलेक्शन का भी अगर आपका होगा भविष्य में, मान लीजिए दो लोगों के अगर इक्वल नंबर आते, तो उसमें मतलब वरीयता दी जाती है जिसकी एज आपसे ज़्यादा होगी, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना बड़ा हो, बात को समझे। तो पहली चीज़ DOB। अब सपोज दैट आप बोलेंगे कि सर मान लीजिए दोनों की DOB ही सेम है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपकी DOB सेम होगी तो दूसरा केस बनता है अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट के हिसाब से, मान लीजिए आपका नाम ए से आता है या बी से आता है, इस तरीके से, है ना, किसी का नाम ए से आता है, किसी का बी से, दूसरा केस ये बनेगा अल्फ़ाबेट का, है ना। तो ये दो मानक से ही क्लियर हो जाता है, तो इसके बाद कोई तीसरा मानक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आज तक तो नहीं पड़ी है, भविष्य में कभी पड़ेगी तो उसकी बात की बात है ना। तो ये दोनों मानक रहते हैं, आप इसके माध्यम से विदाउट एनी डाउट, या आपको कोई भी डाउट आ रहा हो मुझे इस चीज़ को दिखा दो। कल एक बच्चा लाइव कमेंट कर रहा था, तो उसका भी मैंने लाइव एग्जांपल दी थी, उसकी एक की 95 थी, एक की शायद 92 थी, तो 92 वाले की रैंक अच्छी थी, 95 वाले कम थी, ठीक है, तो बात समझ गए। तो ये पूरा रूल होता है, आप कहीं भी देख लीजिए ऑफिशियल, तो वही रूल यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है, है ना। तो अब ये डाउट दिमाग से निकालते हैं। और जो कंपटीशन होता है ना दोस्तों, लास्ट के नंबरों में बहुत होता है, आप ये समझिएगा 140 के आसपास बहुत तगड़ा कंपटीशन हो जाता है ना, 150 से 60 के बीच भी रहता है बहुत कंपटीशन, लेकिन उतना नहीं रहता, लेकिन 140 के पास तगड़ा हो जाता है। तभी 139 पे लगभग एक बच्चे के मतलब 137 नंबर है, 139 हैं, 137 वाले कम से कम 50-60 पीछे है रैंक, है ना। तो रैंक का बहुत खेल होता है, या लास्ट में जो नंबर होते हैं ना, एक एक दो दो नंबर के लिए लड़ाई हो जाती है। आप मेरा ही देख लीजिए, 159 मार्क दो लोगों के समान थे,
मेरी रैंक देखिएगा 21 उसकी 14, नहीं तो मैं आपको थंबनेल पर लिखा दिखता कि रैंक 14, वैसे लीगली मेरी भी 14 है इक्विवेलेंट हूं मैं। लेकिन वही चीज है जो ऑफिशियल है वही लिखना जायज रहेगा, नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप मतलब है ना फर्जी बोल रहे हैं, तो वो चीजें रहती हैं। तो इस उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, दोनों टॉपर से मिल लिया। भविष्य में अगर ये कोई अगली साल की तैयारी कर रहा है या अगली साल ये वीडियो देखेगा तो इन चीजों को समझ ले कि पार्ट वन अर्थात रीजनिंग और जीके जो 50-50 नंबर की, यहाँ आपको लगभग 80+ स्कोर करना पड़ेगा तभी आप टॉपर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे एक पॉइंट को आप लोग समझ गए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।